है वो बच पाया, उसमें एक सकारात्मक सुधार आया है। इसमें आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमारे सम्मानीय अपर पुलिस अधीक्षक, क्योंकि पीसी भी है कमलकार जी, और हमारे पत्रकार साथी भी आ चुके हैं। मैं अब कार्यक्रम को गति देता हुआ सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहूंगा कि वह भी नाकामी हो। अब मैं सर्वप्रथम माला निकाल देना, दो माला है पहले, जो पहला प्रयास है श्रीमती सेवंती पत्नी घर में यह है, एक दूसरे को जिस तरह से दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है उस समय माला पहनाई जाती है, इस तरह से माला पहनाते होंगे। पहनाइए, आप पहनाइए पहले, पहला दो, कोई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया जी जी। और हमारे पुलिस अधीक्षक सम्मानीय निखिल पाठक जी द्वारा सम्मान ताजा हो गई किया जा रहा है। प्रोजेक्ट नई किरण जो कि ललितपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका पर्पस, जिसका मकसद था कि ऐसे दंपत्ति जिनके बीच में आपस में मनमुटाव है, कोई ऐसी चीज जिसको लेकर के उनके बीच में आपस में परेशानी है, वो परेशानी, वो मनमुटाव, वो आपस में बात करके, हमारे यहाँ पर काउंसलर्स का पैनल है जो कि अपने आप में बहुत ही अनुभवी हैं, जिनको समाज का, जिनको वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की बारीकियों की बहुत अच्छी पकड़ है, जो कि मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान की सारी चीज़ें जिनको जिनके उनको पता है, उनके द्वारा आप लोगों की काउंसलिंग की गई है। और आप लोग अब काउंसलिंग के बाद आपसी मनमुटाव को भुला करके, आपस में जो भी गिले शिकवे थे उसको भुला करके अब आप लोग साथ में हैं। ये हम सब के लिए, समाज के लिए, पुलिस के लिए, हमारे काउंसलर्स के पैनल के लिए और हमारे जनपद की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। परिवार जो होता है वो हमारे समाज की सबसे बुनियादी फंक्शनल यूनिट है, और एक सुखद सुखी परिवार जिसमें आपस में शांति हो, तालमेल हो, वो एक स्वस्थ, सुरक्षित और अपराध और भयमुक्त समाज की नींव रखता है। तो आप सबका परिवार जो कि हमारे यहाँ पर जो काउंसलर हैं उनकी टीम द्वारा बचाया गया है, इसके लिए काउंसलर्स की जो टीम है हमारे, वो बहुत धन्यवाद।